स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट मैं हूं शिवानी शर्मा आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन पे क्लास के जी टू क्लास ट्वेल्व आपका सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेस बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना आप बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं सो so, इसी नोट पे क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स अगर आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा इजीली पढ़ना चाहते हैं नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं सो आई रियली विश कि आप मैग्नेट ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं ओके okay, सो so, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज थर्टीन इससे पहले आपको जो वीडियो मिला था वहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 में क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है उस कंसेप्ट को पढ़ लिया था ओके और वो क्या था मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी तो अगर आपने 13.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट नहीं देखा है और डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसीलिए आपको एडवाइस है कि सबसे पहले आप लोग 13.2 एक्सरसाइज का कंसेप्ट देखें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें ओके So, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू के क्वेश्चन तो so, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अगर बहुत ईजी है हम लिखते चलते हैं और इस क्वेश्चन से बात करते चलते हैं ओके सो क्वेश्चन कहता है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री बाई फाइव है ठीक है जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बाई फाइव है ओके okay. सो so, क्या करना है आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ और हम आपको ये बता रहे हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स याद करो हमने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ा था दो इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट होते हैं तब एक केस होता है उस केस को देखा था क्या डिफरेंस होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो पूरा एक समरी टाइप का आपके पास वो वीडियो में था So, अगर आपने इस वीडियो को देखा है so आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। देखो जब ही भी आपके दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं है, मतलब है, और जब भी आपके दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी राइट बस इतना इजी क्वेश्चन है ये क्या चाहिए इन लोगों को इनको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है थ्री बाई फाइव इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से सो so आपके पास कितना आंसर आ जाएगा थ्री बाई ट्वेंटी फाइव कितना मुश्किल क्वेश्चन था ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था बस आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं सो so उनका जो कॉमन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा जो भी आपने कॉपी बनाई है अपने, अपने फॉर्मूले की उसमें इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन करो कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट उसका मतलब क्या

इन 52 कार्ड्स में से हमने कितने कार्ड्स निकाले दो कार्ड्स ये पहला और इसके बाद ये दूसरा ठीक है आपने दो कार्ड्स यहाँ से निकाल लिए हैं और उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया मतलब जब आप एक कार्ड निकालोगे तो कार्ड्स में कमी आ जाएगी फिफ्टी हो जाएंगे है ना जब दूसरी बार निकालोगे तो कार्ड फिर से कम हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो कार्ड्स को कम करते जा रहे हो आप उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं डाल रहे जब आपने पहला कार्ड निकाला तो आपने ऐसा नहीं किया कि कोई और कार्ड उसमें रख दिया हो नहीं 52 टू कार्ड से सबसे पहले एक कार्ड निकाल लिया ठीक है उसको रिप्लेस नहीं किया और उसके बाद जाके हमने दूसरा कार्ड निकाल लिया ओके जी सो विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आप बिल्कुल याद रखिएगा हमने उसका कोई रिप्लेसमेंट वहां नहीं रखा फिर क्या करना है आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड्स आर ब्लैक आपने जो दो कार्ड निकाले हैं उनके ब्लैक होने की आपको प्रोबेबिलिटी हमें बता दी है ठीक है so, सबसे पहले आप यहां क्या करेंगे इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है फिफ्टी टू इस तरीके से लिख लो राइट फिर दो इवेंट को डिफाइन करो ए एंड बी आप कह दो कि एवेंट क्या है कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक ठीक है यहां पे इवेंट डिफाइन कर लेना आप लोग क्योंकि दो कार्ड निकाले हैं और इनने पूछा है कि दोनों के ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपने जो पहला कार्ड निकाला वो कैसा है ब्लैक है इसी तरीके से बी इवेंट क्या डिफाइन करो आप लोग ब्लैक जो सेकेंड कार्ड आपने निकाला वो ब्लैक है क्या चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक मतलब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक दोनों ही कार्ड कैसे हो ब्लैक हो इसे कैसे लिखेंगे आप लोग बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए और हमने ए को क्या डिफाइन किया है कि पहला कार्ड ब्लैक है बी को क्या डिफाइन किया है कि सेकेंड कार्ड ब्लैक है ठीक है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये चाहिए आप लोगों को है ना इसका क्या मतलब है फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक एंड सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक यही मतलब हुआ ना ठीक है इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि दोनों कार्ड ब्लैक हो इसका क्या मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ए कार्ड ब्लैक है ओके okay, कि फर्स्ट कार्ड हमारा ब्लैक है एंड सेकेंड कार्ड भी हमारा ब्लैक है एंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में ए इंटरसेक्शन बी से ठीक और आपको यहां क्या चाहिए दो इवेंट्स हैं आप लोगों को याद होना चाहिए मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जब ही भी एक से ज्यादा इवेंट्स को साइमिलियसली अकर तो हम मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी की जो क्या कहती है कि ए एंड बी के अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आप ये फॉर्मूला लगा दो क्या कि मान लो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढ लिया ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने फाइंड कर लिया इसके बाद आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए ठीक है आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर लिया है उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों कार्ड्स ब्लैक होने चाहिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेन ए हैज अकर्ड जब आपका ए हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि मुझे इस क्वेश्चन को को कैसे सॉल्व करना है क्या किसी को ऐसा लग रहा था कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है यहां पे कंडीशन वाली प्रोबेबिलिटी लग ही कहां रही है क्या इनने ऐसा बोला है कि ये इवेंट हो गया है तब इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है नहीं यहां पे क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही कार्ड आपके ब्लैक हो ओके पहला कार्ड भी ब्लैक हो एंड दूसरा कार्ड भी ब्लैक हो जैसे ही एंड आ गया तो आपको क्या समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तो यही फॉर्मूला होता है क्या यह बात क्लियर है ओके okay, चलो अब मुझे आप लोगों से ये बातें करनी है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हम क्या निकाल रहे हैं देखो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल आपके पास अगर हम कार्ड का डायग्राम बनाए तो so फिफ्टी टू कार्ड होते हैं जिसमें से ट्वेंटी सिक्स आपके ब्लैक होते हैं और ट्वेंटी सिक्स आपके रेड कार्ड्स होते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है हमें ब्लैक कार्ड निकालना है और हमने उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया इन वर्ड्स के के साथ बहुत बहुत ध्यान से आप आप रीड करना क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट सारे आप देखोगे अपने बुक में और पेपर में भी पूछा जाता है सो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या मैंने एक कार्ड निकाला और निकाल के रख दिया उसे दोबारा उस पैक में नहीं मिलाया ठीक है तो मैं क्या देख रही हूं कि अगर मैं अपने दोनों कार्ड्स ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं तो मेरा फॉर्मुला कहता है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कि पहले तो भाई आप ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और जब ए की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी फिर आपको बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है लेकिन ये दोनों ही इवेंट्स क्या है कि दोनों ही कार्ड ब्लैक हो और हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसके बाद वेन ए हैज अकर्ड ये आपको लिखना पड़ेगा यही आपकी मल्टीप्लीकेटिव प्रोबेबिलिटी है कि ए इवेंट हो गया है फिर बी की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो आप यहाँ क्या कर लेंगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चलो सबसे पहले ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ए क्या है कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक पहला कार्ड जो आपने निकाला है वो ब्लैक है तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26 तो आप ए की प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहे हैं आप लिखेंगे 26 सिक्स बाई क्योंकि फेवरेबल पहला कार्ड ब्लैक आए तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 26 है टोटल कितने हैं 52 ओके okay? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है कि पहला कार्ड ब्लैक आने की ये प्रोबेबिलिटी है अब हमें बी की भी प्रोबेबिलिटी चाहिए बी इवेंट क्या कहता है कि सेकेंड कार्ड इज ब्लैक

ट्वेंटी फाइव और यहां क्या लिखेंगे अब देखो एक कार्ड जब आपने निकाला है तो यहां टोटल में भी कम हो गया पहले वाले कार्ड को आप निकाल चुके हो पहला कार्ड आपका ब्लैक बाहर जा चुका है ठीक है आपने रिप्लेस नहीं किया तो एक आपका ब्लैक कार्ड भी कम हो जाएगा और इसके साथ आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कम हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे ये 51 अब बहुत से बच्चों को टेंशन ये हो रही होगी कि मैम आपने जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां लगाई है तो उसका फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है ये आपको सिर्फ समझना है कि ए हो गया है तो बी की क्या प्रोबेबिलिटी मतलब पहला कार्ड ब्लैक निकाल चुके हैं तो दूसरा कार्ड ब्लैक आ जाए क्या प्रोबेबिलिटी आप खुद ही सोचो एक ब्लैक जा चुका तो अब मेरे पास कितने ब्लैक बचे पच्चीस टोटल फिफ्टी टू कार्ड होते हैं एक जा चुका है तो फिफ्टी वन तो ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी वन ठीक है क्वेश्चन को करते चलो आप धीरे धीरे चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे यहां पे आपको यह कैसे पता चला कि क्वेश्चन मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम का है कैसे पता चला क्योंकि एक से ज्यादा इवेंट की आपसे प्रोबेबिलिटी साथ में पूछ रहे हैं कि दोनों कार्ड ठीक है अक्यूर ऑफ टू इवेंट्स टूगेदर अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो ये मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ओके okay? इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग तो 26 एंड 52 कटेगा तो 1 बाई टू है ना 26 सिक्स वन सा ट्वेंटी सिक्स टू ठीक है और यहाँ क्या है इन टू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टी वन अब इससे ज्यादा तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं सो आई थिंक ट्वेंटी फाइव बाई टू वन जी टू टू फाइव जी टेन ये आपका आंसर आ रहा है ये जीरो है ठीक है ये जीरो बनाया है आई होप किसी को कोई परेशानी ना हो चलो फिर से लिख देते हैं ट्वेंटी फाइव बाई वन जीरो टू ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आप खुद भी इमेजिन करो ना खुद भी अगर लॉजिक लगाओगे तो आपका यही आंसर आएगा ठीक है बस नाम दे दिया है मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम तो आपको टेंशन नहीं लेना ओके एक कार्ड ब्लैक आ गया तो दूसरा कार्ड ब्लैक आए क्या प्रोबेबिलिटी है ठीक सो ट्वेंटी सिक्स बाई फिफ्टी टू इंटू ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी वन जिससे आपने कैंसिल आउट किया तो आपको रिजल्ट मिल रहा है ट्वेंटी फाइव बाई वन जीरो टू एक और न्यूमेरिकल करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा चलो अगर ये क्लियर है नोट डाउन कर लिया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री को देखो आप लोग रीड करो पहले रीड करो समझो और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करना ठीक है एक बार चलो देख लेते हैं, क्या क्या लिखा है इसमें अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग थ्री रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट इतनी कहानी से हमें यह समझ में आया कि एक बॉक्स है उसमें बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हैं ठीक है और इस बॉक्स को पहले हम एग्जामिन करते हैं पहले उसे इंस्पेक्ट करते हैं कैसे कि हम इसमें से रैंडमली तीन ऑरेंजेस बाहर निकालते हैं ठीक है अगर ये तीनों ऑरेंजेस जब बाहर निकाला आपने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है ठीक है यहाँ पे लिखा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामिनिंग थ्री रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट हमने तीन ऑरेंजेस बॉक्स में से निकाले और उनका रिप्लेसमेंट नहीं रखा है ठीक है मतलब क्या हो रहा है कि बॉक्स में ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम होती जा रही है एक दो एंड तीन इतने नंबर से आपके जो ऑरेंजेस हैं बॉक्स में वो कम हो रहे हैं सो यहां पे आपको याद रखना है कि क्या जब भी आपने ये ऑरेंजेस बाहर निकाले ठीक है तो क्या किया है विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है कोई रिप्लेसमेंट नहीं रखा ठीक है फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इफ ऑल द थ्री ऑरेंजेस आर गुड आपने जब एक दो एंड तीन इस तरीके से ऑरेंजेस बाहर निकाले इस बॉक्स में से और ये देखा कि तीनों ऑरेंजेस अच्छे हैं ठीक है ऑल द थ्री ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल ठीक अगर तीनों ऑरेंजेस आपने जो बॉक्स में से निकाले वो अच्छे आ जाते हैं तो आप इस बॉक्स को जाके सेल कर सकते हो ये आप मार्केट में ले जा सकते हो ओके okay. अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड और अगर एक भी खराब आ गया तो ये पूरा बॉक्स कैसा हो जाएगा आपका रिजेक्टेड हो जाएगा तो बॉक्स कब सेल पे जाएगा जब तीनों ऑरेंजेस आपके कैसे हो अच्छे हो ओके okay. ये तो कहानी हो गई तो यहां तक में ये सिर्फ कहानी थी ऐसे ही क्वेश्चन आपको केस बेस्ड में आ जाते हैं राइट right. ये तो सिर्फ कहानी थी अब रियल क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हुआ है दो लाइन का क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग फिफ्टीन ऑरेंजेस आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बॉक्स में, में कितने ऑरेंज हैं? 15 ऑरेंजेस हैं टोटल ठीक है अब बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड ठीक है जो टोटल ऑरेंजेस हैं इस बॉक्स में कितने हैं 15 इन 15 में से 12 कैसे हैं अच्छे हैं टोटल 15 है जिसमें से 12 गुड हैं और तीन कैसे हैं बैड हैं अच्छा जी ठीक है, तो इस बॉक्स का अप्रूवल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है यह आपको निकालना है पहले इन्हें हमें कहानी समझाई कहानी में क्या बोला कि देखो एक बॉक्स है उसमें कुछ कुछ ऑरेंजेस होते हैं अगर हम उसमें से एक दो एंड तीन ऑरेंजेस को निकालें उनका रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे मतलब ये वर्ड याद रखना कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया मतलब एक ऑरेंज निकाला तो आपके बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम होती जा रही है आप उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे और उसके बाद उन ऑरेंजेस को देखा अगर वो अच्छे थे ठीक है तीनों ऑरेंजेस तो आपने मार्केट में जाने दिया अब ये कहानी समझाने के बाद इनने कहा कि अब आप देख लो कि एक बॉक्स हम आपको दे रहे हैं और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि उसमें टोटल फिफ्टीन ऑरेंजेस हैं जिसमें से बारह बहुत अच्छे हैं गुड है और तीन खराब हैं तो जरा ये बताओ कि इस बॉक्स की अप्रूव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉक्स मार्केट में चला जाएगा इसकी सेल हो सकती है वो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ठीक है तो ये बॉक्स सेल कब हो पाएगा जब आप तीन ऑरेंजेस इसमें से निकाले और तीनों कैसे हो गुड हो कोई रिप्लेसमेंट हो रही है क्या नहीं ठीक है कहानी क्लियर है तो आप यहां पे कितने इवेंट बनाएंगे आप यहां पे तीन इवेंट बनाएंगे ओके चलो अगर ये पूरी बात क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा और मैं आपको कह रही हूं धीरे धीरे आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी अचानक से आपको टेंशन नहीं लेना है ओके ओके जी सो so यहाँ पे अगर सैम्पल स्पेस की बात करें तो, तो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं बॉक्स में फिफ्टीन है ओके हमें क्या निकालना है कि ये बॉक्स सेल हो जाए इसका सेल हो जाए मतलब ये अप्रूव हो जाए मार्केट में जाने के लिए ठीक है हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और अप्रूव कब होता है जब तीन ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट गुड निकल आ जाए तो आप क्या करेंगे आप यहां पे तीन इवेंट डिफाइन करेंगे सो लेट ए बी द इवेंट कि फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज कैसा हो फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड कि पहला ऑरेंज आपका गुड हो ठीक है बी बी द इवेंट दैट सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड ठीक है बी क्या इवेंट है कि जो दूसरा ऑरेंज निकाला वो भी अच्छा निकल आया और सी क्या इवेंट है कि थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड तो ये आपने क्या करा ये आपने यहाँ पे तीन इवेंट्स को डिफाइन कर दिया ए इवेंट क्या है कि पहला ऑरेंज अच्छा है बी क्या है कि दूसरा ऑरेंज अच्छा है और सी क्या है कि तीसरा ऑरेंज अच्छा है क्या चाहिए आपको कि ये बॉक्स सेल पे चला जाए तो कब होगा जब ए ऑरेंज बी वाला ऑरेंज एंड सी वाला ऑरेंज कैसा हो गुड हो मतलब जब आपके पास ये सेल पे कब जाएगा देखो ए अच्छा है बी अच्छा है सी अच्छा है तो हमें इस बॉक्स को मार्केट सेंड करना है तो वो तो तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट ड्रोन ऑरेंज अच्छा निकल आए गुड निकल आए एंड सेकेंड ड्रोन मतलब बी जब आपने निकाला सेकेंड ऑरेंज वो भी अच्छा निकल आए एंड सी ऑरेंज मतलब जो थर्ड चांस में आपने ऑरेंज निकाला वो भी अच्छा निकाला है तो अगर ये तीनों ऑरेंजेस हमारे अच्छे आ जाते हैं ओके okay, तो मार्केट में चला जाएगा ये बॉक्स फॉर द सेल राइट right? सो so हमें बेसिकली क्या चाहिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड का क्या मतलब है इंटरसेक्शन तो आपको क्या चाहिए आपको यहाँ पे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन्हें पूछा है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल तो सेल के लिए तो तभी जाएगा जब पहला ऑरेंज सेकंड ऑरेंज एंड थर्ड ऑरेंज कैसा निकला है गुड निकला है तो बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी चाहिए एंड का मतलब बैट्स में आप इंटरसेक्शन समझें तो ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओके आपको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है चलो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम कैसे लिखते हैं याद करो देखो जरा यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे लिखते हैं बताओ ऐसे कि मान लो probability of a हमने फाइंड कर लिया ठीक है हमने a की probability निकाल ली अब हमें क्या चाहिए b की probability चाहिए लेकिन a इवेंट तो हो चुका है राइट probability ऑफ a चाहिए ठीक है बता दिया आपको उसके बाद probability ऑफ b चाहिए लेकिन जब probability ऑफ b आप निकालने निकले तब आपको यह पता चला कि a इवेंट तो हो चुका कंडीशन लग गई उसके बाद आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकाल ली बी की निकाल ली अब बारी है सी की प्रोबेबिलिटी की तो सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए एंड बी दोनों हो चुका एंड का मतलब क्या इंटरसेक्शन तो ये जो आपका फॉर्मुला था प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड एंड सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड एंड थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड वो आपको इस फॉर्मले से मिल जाएगा ठीक है कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड व्हेन फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड ठीक है तो वो कैसा आया गुड आया तो ये मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है हमारे पास बॉक्स में कितने थे ऑरेंज पंद्रह उनमें से बारह अच्छे और तीन बुरे थे ठीक है थ्री बैड थे ओके okay जी हमें तो अच्छे चाहिए ना ठीक है सो सबसे पहले बात करते हैं और एक और चीज याद रखना कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ अगर आपने एक बाहर निकाला तो नंबर ऑफ ऑरेंज कम हो गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड तो जब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो अच्छे ऑरेंज आने की कितनी चांसेस हैं जितने अच्छे ऑरेंज हैं डिवाइडेड by टोटल ऑरेंज तो आप लिखेंगे यहाँ पे ट्वेल्व बाई फिफ्टीन अब क्योंकि आपने कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया तो इस बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंज क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो जब आपने ए मतलब पहला ऑरेंज अच्छा निकाल दिया बाहर तो अब आपके पास जो टोटल ऑरेंज है वो कितने आएंगे फोर्टीन और जो अच्छे ऑरेंज हैं वो कितने आएंगे ग्यारह ठीक है अब सुनो मेरी बात अब आपको क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी A ए हैज आपका पहला ऑरेंज अच्छा आ चुका है अब आपको दूसरा ऑरेंज अच्छा चाहिए तो अब अच्छे ऑरेंज कितने बचे 11. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 11 और टोटल भी कम हो गए तो 14. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चाहिए इसका क्या मतलब है कि थर्ड ड्रॉन ऑरेंज आपका अच्छा आ जाए जब पहले एंड और दूसरे ऑरेंजेस अच्छे जा चुके हैं ठीक है ठीके? तो सी में आप क्या करेंगे दो ऑरेंज निकल गए अच्छे अब तो कितने बचे आपके पास दस ऑरेंजेस बचे ठीक है और दो जा चुके हैं तो फिफ्टीन माइनस टू भी कर लो तो यहाँ पे क्या आया थर्टीन ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई अच्छे ऑरेंजेस बाहर आने की जिसकी वजह से आपका बॉक्स सेल पे चला जाए ठीक है तो अब आप इसे हटाइए इसको सिंप्लीफाई करना आपका आंसर आ चुका है बस सिंप्लीफाई करना है अब आपको सो so, चलो सिंप्लीफाई करते हैं कैसे जाएगा ये ये जाएगा आपका फाइव टू जाम फाइव थ्री जा थ्री वन जा थ्री फोर जा यहाँ पे क्या टू टू जा टू सेवन जा ओके okay? सो so, क्या आ रहा है आपके पास फोर्टी फोर और कहीं से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या नहीं सो फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन एट नाइन फोर्टी फोर बाय नाइन्टी नाइन ये प्रोबेबिलिटी है इस बॉक्स के अप्रूव होने की क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है ओके मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब लगती है जब एक से ज्यादा इवेंट की साइमिलटेनियसेंस आपसे पूछी जाए मतलब एक इवेंट भी हो दूसरा भी हो तीसरा भी हो जब एक साथ बहुत सारे इवेंट की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगती है अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग

ठीक चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट तो यहां पे आप लोग जानते हैं कि दो इवेंट्स आपके ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होंगे कब होंगे बताओ तो जरा दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट कब होते हैं जब ये लोग इसको सेटिस्फाई कर दे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अगर ऐसा हो जाता है तो आपके दो इवेंट्स कैसे होते हैं इंडिपेंडेंट है. तो है है या नहीं तो मैं ये काम करने वाली हूं बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी फिर प्रोबेबिलिटी निकालूंगी, निकालूंगी अगर ये बराबर आ जाते हैं तो मैं कह दूंगी कि मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं है ओके तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं हमने क्या किया है एक कॉइन को और एक डाय को टॉस किया है ठीक है तो सैंपल स्पेस में देखो क्या आ सकता है जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास हेड या टेल आएगा जब आप डाइस को रोल करते हो तब आपके पास एक दो तीन चार पांच एंड छ ये आउटपुट्स आ सकते हैं अब आप लोग क्या कर रहे हो एक कॉइन को टॉस कर रहे हो एक डाय को फेंक रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया हो और जब डाय को फेंका हो तो वन आ गया हो तो पहला जो पेयर बना आपके सैंपल स्पेस में वो क्या बना हेड वन ओके या फिर हेड के साथ टू आ सकता है या थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से आपको एक आउटकम मिलेंगे और या फिर जब आपने कॉइन टॉस किया तब आपके पास टेल आ गया हो और जब डाइस फेंकी तो वन आ गया हो या फिर टू आ गया हो थ्री, मतलब आप समझ रहे हैं सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा तो जरा एक बार इसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं अपन सो so, हमारे पास जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे हेड वन हेड टू हो सकता है कॉइन को जब टॉस किया तो हेड आया और डाइस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वन टू थ्री है ना सो so, आप लिखेंगे हेड थ्री फिर आप लिखेंगे हेड फोर हेड फाइव हेड सिक्स ठीक इसके बाद हो सकता है डाइस का काम हो गया हो सकता है जब आपने कॉइन को टॉस किया तो टेल आया हो फिर डाई को फेंका तो वन उसके बाद जब टेल आया हो तो हो सकता है डाइस में टू आ गया हो एंड सिमिलरली टेल थ्री टेल फोर फिर आप लिखेंगे टेल फाइव एंड योर टेल सिक्स इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द कॉइन तो इवेंट में क्या रखना है कि हेड अपियर आ गया हो कॉइन पे ठीक है मतलब जितने भी हेड दिख रहे हैं वो सब आप इवेंट में अरेंज कर लो मतलब टोटल है ना सो हेड वन हेड टू ड थ्री ओके हैड फोर हेड फाइव हेड सिक्स ये आपके ए इवेंट के एलिमेंट्स आ गए बी इवेंट में क्या बोला है इन लोगों ने बी इवेंट में क्या बोला है थ्री ऑन द डाई डाइस पे थ्री आया हो तो डाइस पे थ्री तो एच थ्री और टी थ्री में आ रहा है सो बी इवेंट में आपको एच थ्री मिलेगा एंड टी थ्री मिलेगा हमें क्या चेक करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है और हम जानते हैं कि हमारे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाए तो जब हमारा ये हो जाता है तब हम कह देते हैं कि इवेंट्स कैसे थे हमारे इंडिपेंडेंट थे राइट सही बात है चलो आओ फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालें अपन तो यहीं पे आ जाओ आप लोग ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों इवेंट्स में क्या कॉमन आ रहा है चेक तो करो क्या कॉमन है दोनों में एच थ्री एच थ्री बस तो सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है अब हमने सब कुछ फाइंड कर लिया हमने ए इवेंट जमा लिया हमने बी इवेंट और हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया बस अब हमें इन तीनों की क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनना आप लोग ठीक है बहुत ध्यान से यहां पे आप ये देख रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है एक कॉइन को टॉस कर दिया है और एक डाइस को फेंका है ठीक है आपके पास जब आप ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो दो तरीके हैं यहाँ पे एक जो आप बचपन में सीख के आए हो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स ठीक है और एक जो आप इलेवेंथ क्लास में सीख के आए हो जिसे मैंने थर्टीन पॉइंट वन के कंसेप्ट में भी रिकॉल कराया था और वो क्या कहता है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एज चाहिए तो यहां लिखे हर एक एलिमेंट की आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के उन्हें ऐड कर दें ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन में में आपके ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं जितने भी आउटकम रखे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम है मतलब इक्वली लाइकली टाइप का आ रहा है कैसे आप चाहे तो चेक कर लीजिए हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई टू क्योंकि एक कॉइन को टॉस किया है या तो हेड आता है या तो टेल आता है तो जब आप यहाँ पे हेड की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा हाफ फिर साथ में लिखा है वन तो इन करना है क्योंकि हेड एंड वन आया होगा है ना सो हेड एंड वन तो हेड एंड वन वन एंड का मतलब क्या होता है इन टू वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाई सिक्स तो क्या आ रहा है यहाँ पे वन बाय ट्वेल्व इस पेयर की प्रोबेबिलिटी आई इसके बाद यहां पे लगते हैं कॉमा और कॉमा की जगह पे हम लगाते हैं प्लस और ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया है अगर भूल गए हो तो ध्यान से सुनो पहला पेयर क्या है हेड एंड टेल सॉरी हेड एंड वन आया हो सो so, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ वन की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स बीच में लगा एंड एंड का मतलब इन टू ठीक है या तो आपके ए इवेंट में ये आ सकता है और और का मतलब क्या प्लस और क्या आ सकता है हेड एंड टू तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ टू की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स क्या आ रही है एक बाय बारह और यहां रखे हर एक एलिमेंट क्या जब आप प्रोबेबिलिटी चेक करोगे तो सेम आ रही है वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल, ट्वेल, ट्वेल. मतलब सब इक्वली लाइकली है तो यहां पे जब भी आपके किसी

या तो हमारे बी इवेंट में हेड एंड थ्री आ जाए और हमारे बी इवेंट में टेल एंड थ्री आ जाए और का मतलब प्लस एंड का मल, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो यहां पे भी हमें क्या मिल रहा है वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व तो आप देख सकते हैं ए एंड बी में जितने भी आउटकम्स रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एकदम सेम आ रही है तो आप बिल्कुल क्लास टेंथ का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लगा सकते हो और अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैम दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो हो सकता है ना इन लोगों के ये इवेंट्स इक्वली लाइकली ना हो अगर ऐसा कभी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ रखे हर एक ही इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल के चेक कर लेना सेम आ रही है तो लगा देना फॉर्मूला अदरवाइज सेम आ रही है तो ऐसे ही प्लस करके लिख दो आप लोग ठीक है आई होप ये बातें क्लियर है तो यहाँ पे ए एंड बी में बिल्कुल हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूं तो मैं देख रही हूं कितने एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व तो मैं क्या लिख सकती हूँ सिक्स बाय ट्वेल्व ठीक है और सिक्स बाय ट्वेल्व का मतलब क्या है वो हम नहीं लिख रहे अभी हो सकता है बाद में कैंसिल आउट हो जाए ठीक है तो सिक्स बाय ट्वेल्व ए की प्रोबेबिलिटी आ रही है ऐसे ही जब हम B की प्रोबेबिलिटी निकाले निकालने चले तो हमें पता चल रहा है कि इस वाली पेयर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है एक बाय बारह प्लस वन बाई ट्वेल्व ठीक है तो वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाय ट्वेल्व टू बाई ट्वेल्व तो आपको B की प्रोबेबिलिटी टू बाय ट्वेल्व मिल रही है इसके बाद आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने जा रहे हो तो कितने एलिमेंट है एक यहां देखो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है हेड के साथ एंड तीन आया हो एंड का मतलब into, तीन की एंडिटी एक ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है वन बाय ट्वेल्व एलिमेंट है ठीक है अब आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जाके उस फॉर्मले में सब्सिट्यूट करो इंडिपेंडेंट वाले में आपने देखा कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा वन बाय ट्वेल्व आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी सिक्स बाई ट्वेल्व आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी tw two by आ रही है चेक कर लो आप लोग कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज सिक्स बाई ट्वेल्व इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज टू बाई ट्वेल्व तो हमें मिल रहा है क्या क्या मिल रहा है सिक्स टू जट ट्वेल्व 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 जी तो बहुत ही ज्यादा वैसा आ रहा है ऐसे लिखो आप ठीक है, 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 तो 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 आ से दूसरा 12 चला गया, गया? तो मिला by 12. और ये ये क्या हो ही बिल्कुल हमारी के बराबर आ रही है, मतलब ए एंड बी इवेंट्स कैसे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो क्या ये बात क्लियर है इस क्वेश्चन में ओके, आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी आपने इलेवेंथ क्लास में हर एक इवेंट के ऐसे ही प्रोबेबिलिटी निकाली है तो जब किसी भी सेट में अगर हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है तो आप टेंथ का फॉर्मुला लगा दो लेकिन जो हमने थर्टीन पॉइंट वन की कंसेप्ट में एग्जाम्पल देखा था वहां क्या हो गया था कि एक आउटकम की तो प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर आ रही थी और बाकियों की बाकी ट्वेल्व आ रही थी तो वहां पे आप फेवरेबल अपॉन टोटल नहीं कर सकते थे लेकिन यहां पे हर एक की सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है 12, 12, तो आप फेवरेबल अपॉन टोटल भी कर सकते हो अगर ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay? तो so इसका आंसर क्या है दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव अ डाय मार्क् वन टू थ्री इन रेड एक डाइस है जिसमें वन टू थ्री कैसे लिखा हुआ है रेड कलर से लिखा है एंड फोर फाइव सिक्स इन ग्रीन ठीक है तो मतलब आपके डाइस में छह फेस होते हैं जिसमें से जो एक दो तीन लिखा है वो रेड कलर से लिखा है और जो फोर फाइव सिक्स लिखा है उसे इन लोगों ने ग्रीन कलर से लिख दिया है ठीक है जी लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन एक इवेंट डिफाइन किया है ए जो ये कहता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे इवेंट नंबर्स आएंगे मतलब टू फोर एंड सिक्स आएगा ठीक है एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड और बी इवेंट में क्या रखा है कि सिर्फ रेड कलर के नंबर आएंगे मतलब एक दो तीन आएगा तो जरा आप ये बताइए क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो अब तक तो आपको कहानी याद भी हो चुकी होगी कि दो इवेंट्स आ जाओ लिखो फिर से टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हर एक चीज को बार बार रिकॉल करोगे तो कभी भूलोगे नहीं ठीक तो है तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कब इंडिपेंडेंट कब होते हैं तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर ऐसा हो गया मतलब इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट है तो इस केस में हम लोग इवेंट बनाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो पहले तो चलो आओ सैंपल स्पेस तो में क्या आएगा देखो सैंपल स्पेस में आपकी एक ही डाइज है तो छह आउटकम आएंगे ठीक है जिसमें से वन टू एंड थ्री रेड कलर से लिखा है और फोर फाइव एंड सिक्स ग्रीन कलर से लिखा है तो ये आपकी कुछ इस तरीके से कलरफुल सैंपल स्पेस बन रही है इसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग कि जो आपका ए इवेंट है ना ए इवेंट में कौन आया है नंबर इवन आया है सो so जब आप ए इवेंट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको इवन नंबर रखना है मतलब उसके अंदर टू आएगा ठीक है फोर आएगा और सिक्स आएगा किसके अंदर ए इवेंट के अंदर

दोनों में सिर्फ टू कॉमन नजर आ रहा है है ना बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास टू आ गया अब चलो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ठीक है so, सो यहां पे आते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वन टू थ्री तीन आउटकम्स है और फेवरेबल तीन है टोटल कितने हैं छह सो थ्री बाय आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई है इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करते हैं बी so, में कितने इवेंट है बी में भी तीन इवेंट है टोटल एलिमेंट कितने हैं? ये आपकी B की होगी। इसके बाद कितने एलिमेंट है एक के एलिमेंट है सो वन बाय सिक्स अब जरा यहाँ पे आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जरा चेक तो करो कितनी आ रही है थ्री वन जी टू जिक्स थ्री वन जी टू जिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है वन बाई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास वन बाई टू है इसका मतलब ये आ रहा है वन बाई फोर और किसके बराबर आनी चाहिए थी वन बाय सिक्स के बराबर दिस वन बाय फोर इज नॉट इक्वल टू वन बाय सिक्स इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि ये वन बाई फोर आ रहा है वो आपका वन बाई सिक्स आया है सो so इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो ये दोनों कैसे हैं नॉट इंडिपेंडेंट क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है ठीक है तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना लोगे मैं कह रही हूँ सारे एक्सरसाइज बहुत इजी है बस कुछ कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं उन्हें आप सुनते चलो ठीक है so सो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ओके okay? सो so, अगर आपने इसका नोट डाउन कर लिया है स्क्रीन ले लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं कि लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज थ्री बाय फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ थ्री बाई टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज वन बाई फाइव आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट चलो जल्दी से बताओ मुझे क्या ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो आप जानते हो कि अगर मुझे किसी को इंडिपेंडेंट बताना है तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के तो हम कहते हैं कि हमारे जो इवेंट्स ए एंड बी है वो कौन है ए एंड बी हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं ठीक है ये छोटी सी प्यारी सी कंडीशन है जो बार बार आ रही है इसे एकदम आप याद कर लो ठीक है सो यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है इससे ज्यादा क्या ही इजी क्वेश्चन देंगे आपको ये लोग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है हमारे पास थ्री बाई टेन राइट और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी दे दिया है कितना है वन बाई फाइव ठीक चलो आ जाओ जल्दी से चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो देख के ही समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो करो कितना आएगा आप देख रहे हो थ्री बाई फाइव ई की प्रोबेबिलिटी है एफ की प्रोबेबिलिटी थ्री बाई टेन है कितना आ रहा है by क्या ये by 50, by के बराबर है मैम कैसी बात कर रहे हो ठीक है सो नाइन बाई फिफ्टी इज नॉट इक्वल टू वन बाई फाइव इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो हम कह देंगे कि ई एंड एफ कैसे हैं नॉट इंडिपेंडेंट ठीक है सो so आप कह देना कि ई एंड एफ कैसे हैं आपके नॉट इंडिपेंडेंट तो कंडीशन को बिल्कुल याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है आप अच्छे से इन्हें बना लोगे ओके सो आई होप इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगर आपको आपने नोट डाउन कर लिया है स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर सेवन और वैसे मुझे पता है क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों ने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर सेवन को देखो गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो हाफ है अच्छा उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी थ्री बाई फाइव है और अच्छा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है ठीक है जी फाइंड पी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन बनाई है कि पी बताओ इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए आपकी बुक में जब भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं ना कि पी की वैल्यू निकालो ए की वैल्यू निकालो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर में ओके okay? तो क्वेश्चन नंबर सेवन पे आप अच्छा खासा स्टार बनाइए पेपर में आ सकता है तो हमें यहाँ पे दो पी की वैल्यूज मिलेगी पहली पी की वैल्यू हमें कौन देगा जब हमारे इवेंट्स ए एंड बी कैसे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो एक कंडीशन ये होगा ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फिर यही पूरा डेटा है और इसके बाद इनने कंडीशन बदल दी है आपको पी की वैल्यू बतानी है जब आपकी इवेंट्स ए एंड बी कैसे हैं इंडिपेंडेंट है ओके okay? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो इवेंट है वो कैसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ओके okay? तो मैं इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ जब मेरे इवेंट्स कैसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं हम जानते हैं हम पढ़ चुके हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी दो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होते हैं जब उनके इंटरसेक्शन में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता मतलब हमें यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा फाइव मिलेगा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब कि कितने एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं यानी कि ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में ठीक है, so mutually exclusive event क्या होते हैं? दो इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहते हैं जब उनका intersection आपको क्या दे, फाई दे, तो okay? तो कितने होंगे होंगे। इनके intersection में? तो जरा मुझे यह बताना आप लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है जीरो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी तो बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शब्द को पकड़ के हमने ये बातें आपसे कर ली ठीक है आई होप ये क्लियर है अब हम ये कहते हैं कि जरा पी की वैल्यू तो बताओ ठीक है की वैल्यू बताओ इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए की प्रोबेबिलिटी है यूनियन बी की तीन बाय पांच है और बी की प्रोबेबिलिटी पी है और ये ये क्या क्या है जरा ये बताओ तो सुनो यहां पे आप क्या कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है ए यूनियन बी को पकड़ लो ठीक है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है राइट इलेवेंथ क्लास में सीख कर आए हैं हम और वो फॉर्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये फॉर्मूला आप लोगों ने अपने इलेवेंथ क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी की अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या फॉर्मूला है पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये एक ही लाइन में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है क्या ये बात क्लियर है लेकिन हमारे जो इवेंट्स हैं वो कैसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है जीरो तो इस केस में जो ये फॉर्मूला है ये थोड़ा बदल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो हो चुकी है क्यों क्योंकि इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डेटा है कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी थ्री बाई फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हाफ बीच में बनाओ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है पी तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या बिल्कुल सॉल्व कर लोगे इसे शिफ्ट करो यहाँ पे आप लिखेंगे थ्री बाई फाइव माइनस हाफ इज इक्वल टू पी एल सी एम आया टेन फाइव टू जार टू थ्री जिक्स माइनस फाइव जा फाइव वन जा तो आपके पास P की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से आपके पास P की वैल्यू आ रही है one by ten. तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाता है जब आपको P की वैल्यू चाहिए और इवेंट कैसे हैं आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर मैं इसे हटा के इंडिपेंडेंट के लिए इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करूंगी ठीक है सो आई होप आपने स्क्रीन ले लिया अब एक बार जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो एक्सक्लूसिव इवेंट में जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज कितने एलिमेंट्स आएंगे इनके इंटरसेक्शन में जीरो क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है जीरो इस क्वेश्चन में अगर हमें आगे बढ़ना था तो हमारी जो नजर गई वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पे गई हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कुछ फॉर्मूला होता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेकिन क्योंकि हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो फॉर्मूला तो सिर्फ इतना चलो अब इसी क्वेश्चन में इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि जब हमारे इवेंट्स कैसे हो इंडिपेंडेंट तो जरा डेटा फिर से लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी P है जो फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने आपको दे दिया है मतलब तीन बाई पांच अब जो सेकंड केस है वो ये कह रहा है कि इवेंट्स कैसे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ये कंडीशन बनती है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये बात सबको क्लियर है ठीक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जैसे ही कोई इंडिपेंडेंट इवेंट बोलता है तो मुझे तो यही समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए बी ओके तो यहां पे अब आप क्या करें हमारे पास इसी फॉर्मूले में चलो कुछ वैल्यूज रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है कोई बात नहीं आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो उसको ऐसे ही लिखे रहने दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है पी 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 सो ये 2 ये बना? 2. ये बना 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 ठीक है है कैसा जैसा क्वेश्चन में हुआ ना वैसा ही बनाएं आप लोग ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जैसा अल्फाबेट आपको आपके क्वेश्चन में बना के दिया है आप भी वैसा ही बनाए सो पी बाई टू ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ रही है पी बाई टू आ रही है कैसे आई यहां पे सबसे किया

होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हां या ना बिल्कुल हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी गिवन है थ्री बाय फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है पी ठीक है स्मॉल पी बनाया है तो आप भी स्मॉल पी ही बनाए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है पी बाई टू अब तो आसानी से पी आ जाएगा है ना यहां पे आप देख रहे हो एलसीएम ले लो सो टू पी माइनस पी टू पी माइनस पी इज पी सो पी बाई टू करने पे इतना आया इसको यहां लेके आओ सो थ्री बाई फाइव माइनस हाफ इज इक्वल टू पी बाई टू फिर से वन बाय टेन आएगा क्या चेक तो करो ये टेन आया फाइव टू झा टू थ्री जिक्स माइनस टू फाइव फाइव वन सा पी बाई टू छह में से पांच क्या ठीक है है ये ये नीचे ऊपर ऊपर लेके जाओ आएगा पे इधर रह जाएगा so two by ten. Two by ten का क्या मतलब है? Two by ten का मतलब है है का वन बाई फाइव तो एक बार आंसर वन बाई टेन आया था जब आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे दूसरी बार जो पी की वैल्यू आ रही है दैट इज वन बाई फाइव जब आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट थे आई होप क्वेश्चन ईजी था ये वाला ठीक है बस आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो इंडिपेंडेंट कह रहे हैं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये यूनियन वाला फॉम्यूला आपको बस याद होना चाहिए था इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है आई होप क्वेश्चन क्लियर है और कोई भी तकलीफ आपको इस क्वेश्चन में नहीं है तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट को देखो लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या समझ में आया इंडिपेंडेंट इवेंट सुन के दो इवेंट्स अगर आपके इंडिपेंडेंट है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बस जैसे ही आपने इंडिपेंडेंट इवेंट सुना आपके दिमाग में यही आना चाहिए ओके okay, तो लिख भी लेते हैं अपन कि ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हमें गिवन है इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है जी? ओके। okay. उसके बाद क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम आपको दे रहे हैं कितना है जीरो पॉइंट थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम आपको दे रहे हैं कितना है जीरो पॉइंट फोर फाइंड कीजिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जरा ये बताओ क्या फाइंड नहीं कर पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए आराम से फाइंड कर सकते हैं मैम हमें ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में यही वाला फॉर्मुला लगा दो ए की प्रोबेबिलिटी है बी की प्रोबेबिलिटी है और मल्टीप्लाई करना तो हम कब से जानते हैं ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आप लगाएंगे फॉर्मुला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है

थ्री बाई टेन है ना इंटू फोर बाई टेन इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई हंड्रेड मतलब जीरो पॉइंट वन टू तो आपकी मर्जी है आप कैसे भी करना चाहो देख के भी समझ में आ रहा है थ्री फोर सा ट्वेल्व जीरो पॉइंट वन टू आंसर आएगा ठीक है लेकिन आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन था ये ठीक बस फॉर्मूला देखो वैल्यूज रखो आंसर निकाल लो राइट ओके जी तो पहला पार्ट हो गया अब क्या करना है आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन का तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ बिल्कुल बता देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे बताओगे आप लोग हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है ठीक है बस सारी वैल्यूज यहां रखो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन पी निकाल लो ठीक so, है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी जीरो पॉइंट फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आई जीरो पॉइंट वन टू तो ऐड करेंगे इसको तो क्या आएगा जीरो पॉइंट थ्री एंड जीरो पॉइंट फोर को ऐड करोगे तो जीरो पॉइंट सेवन माइनस करना है किससे 0.12 से तो 0.12 पॉइंट कीजिए कितना आएगा ये आया यहाँ पे 10 10 में से दो गया 8 6 6 में से एक गया तो 5 दिस इज 0.58 ठीक है इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिल रहा है 0.58 पॉइंट फाइव सेट ठीक है प्लस माइनस ही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेकेंड पार्ट भी हो गया है इस क्वेश्चन का अब बारी है थर्ड पार्ट की ये फॉर्मलेस याद रखना बिल्कुल ठीक है थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो बी हो चुका है क्या फॉर्मूला होता है बहुत ही ज्यादा इजी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अच्छा ये बताओ नीचे क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी हैज अकर्ड ये चाहिए इनको तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा मैम जो नीचे लिखा है वो आएगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओके जी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने कितनी फाइंड की है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने जीरो पॉइंट वन टू फाइंड करी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना लिखा है ज़ीरो पॉइंट फोर ठीक है इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना ऐसा कुछ आएगा ज़ीरो ज़ीरो गया टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू टू ज़ा फोर ज़ीरो टू थ्री ज़ा सिक्स टू टेन ट्वेंटी ठीक है इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू में क्या आया जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैन बी एज अकर्ड क्या ये बात क्लियर है ठीक है चलो अब क्या निकालना है फोर्थ पार्ट निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैन ए हैज अकर्ड आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैन ए हैज अकर्ड फॉर्मुला बताइए क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ए बोलें या ए इंटरसेक्शन बी बोलें कुछ अलग है क्या नहीं बिल्कुल सेम है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है जीरो पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट फोर मैम जीरो पॉइंट आया ना अरे एक ही तो बात है ये लिखू या ये लिखूं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कट करने में आसानी जाएगी आपको यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितनी है जीरो पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट फोर तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या जीरो पॉइंट थ्री इंटू जीरो पॉइंट फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.3 तो आप यहाँ लिखेंगे कितना 0.3 पॉइंट थ्री ज्यादा ईजी है ना मैं वहां लिखती फिर नीचे 0.3 फिर उसे कट करती ठीक है तो इससे अच्छा है कि ऐसे लिखो साफ साफ दिख रहा है जा रहा है जाने दो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन हैज अकर्ड कितना आ रहा है जीरो पॉइंट फोर आ रहा है, That's it. ठीक है? तो बस ये क्वेश्चन था आपका आई होप बहुत इजी है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बस फॉर्मुलेज याद रखो वैल्यूज सब्सिट्यूट करते जाओ एंड सच में आपकी प्रोबेबिलिटी क्लास ट्वेल्थ ईजी ही है ओके okay? तो अगर ये समझ में आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर अपन चलते हैं ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं अपन लोग इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज वन बाई फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज वन अपॉन एट पॉइंट प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी तो ये क्या हो गया देखो सुनो क्वेश्चन देखो आप लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिविन है वन बाई फोर ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपको गिविन है हाफ और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको दे दिया है कितना वन बाई एट आपको क्या बताना है आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए

नॉट बी नॉट बी क्या लिखेंगे आप बी डैश इसका आंसर आपको चाहिए ठीक है मैम ये कौन सा फॉर्मूला आ गया ये नॉट ए एंड नॉट बी समझ में आ रहा है आप लोगों को ये आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है इन इलेवेंथ क्लास प्रोबेबिलिटी जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम ऐसा लिखते थे याद करो क्या लिखते थे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगी है ना इसे ए डैश बोलो नॉट बोलो एक ही बात है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होती है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है ये वो वाला केस है ये डैश का मतलब ये है वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब a and का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन और का मतलब plus. ये बातें भी आप एक जगह पे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो ठीक है एंड का क्या मतलब है एंड का मतलब है मोस्टली आपके जो क्वेश्चन होंगे आप ये देखेंगे कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन है एंड मल्टीप्लीकेशन ठीक है और का मतलब यूनियन प्लस ठीक है तो यहाँ लिखा है नॉट ए मतलब ए के ऊपर डैश एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट बी मतलब बी के ऊपर डैश तो ये मिलेगा कैसे अब सवाल तो ये उठता है ठीक है चलो सोचते हैं क्या कर सकते हैं अब जो कुछ भी होगा वो इस डेटा से ही होगा ए एंड बी सिर्फ साधारण से इवेंट लिखे हैं अगर ये लोग कुछ लिख देते कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो हमने कुछ थ्योरम पढ़ी थी याद करो जब हमने 13.2 का कंसेप्ट वीडियो देखा था उसमें हमने यह देखा था सुनो क्या देखा था आप लोगों ने कि अगर ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट चेक कर लेना स्पेलिंग ए एंड बी अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होता है बी एंड ए डैश भी इंडिपेंडेंट होता है और उसके साथ साथ ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होता है ठीक है तो अगर आपके ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश एंड बी भी इंडिपेंडेंट होता है ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होता है और दोनों का डैश भी इंडिपेंडेंट होता है पर, पर आप इंडिपेंडेंट की बात क्यों कर रहे हो यहाँ पे तो क्वेश्चन में इन्हें बोला ही नहीं है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है हाँ इन्हें बोला नहीं है लेकिन इनको देख के समझ में तो आ रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट होने की कंडीशन क्या होती है हम क्वेश्चन पे आ गए मुझे लगता है 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 कम कम से या बार हमने इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स इवेंट्स की क्या है? है. है, so क्या कंडीशन उसे डिस्कस किया ठीक ठीक दो अगर आपके होते हैं तो होता है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए Probability of A कितनी गिवन है वन बाई फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बाई टू और ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है वन बाय एट इज इक्वल टू क्या आ रहा है वन बाई एट मतलब ये जो इवेंट्स हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें नहीं बताया लेकिन हमें यह कंडीशन याद है और ये कंडीशन पे ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड बी इवेंट्स कैसे हैं ए एंड बी इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी इवेंट्स आर बोलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ठीक है ये बात क्लियर है तो हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली ना दें आपको खुद समझना है उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं आप ये देख सकते हो हमें तो पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट होने की कंडीशन क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रोबिलिटी ऑफ बी हमारे पास इंटरसेक्शन था हमारे पास ए था हमारे पास बी था हमने कंडीशन में डाला चेक किया सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है इससे क्या हो गया इससे यहाँ पे जो मैंने तीन रिजल्ट लिखे थे ना उन रिजल्ट का हम यूज़ कर सकते हैं हम जानते हैं कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा तो आप यहां लिखेंगे कि एंड बी रिजल्ट है आप इसका यूज कर सकते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट क्या ये बात ठीक है ठीक है ए एंड बी इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए तो ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते थे तो आप इसे यूज करते थे ठीक है किसे ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे जब ए एंड बी आपके इंडिपेंडेंट हुआ करते थे तब आप इस रिजल्ट को यूज करते थे ठीक है अब कौन इंडिपेंडेंट हो गया है अब ए डैश एंड बी डैश इंडिपेंडेंट हो गया है तो इस रिजल्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा और आप लिखेंगे डैश की जगह हम ही बना लेते हैं ठीक है अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ए बी ठीक है ये क्लियर है देखो ए एंड बी जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये कंडीशन लगती है अब कौन इंडिपेंडेंट है ए डैश एंड बी डैश तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जहां जहां ए बी लिखा है वहां वहां डैश बन जाएगा है इंडिपेंडेंट तो कंडीशन ऐसे अपने आप में चेंज हो जाएगी ठीक अब क्या चाहिए ये चाहिए कैसे मिलेगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टू प्रोबेबिलिटी बता दें और आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को आप रिप्लेस करना वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ब्रैकेट इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को आप रिप्लेस करेंगे वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से क्या मिल जाएगा आप लोगों को आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो चाहिए ठीक चलो आओ वैल्यूज़ को रखते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं ठीक है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है वन बाई फोर ब्रैकेट इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है half. So one minus half, कितना आएगा फोर माइनस वन थ्री बाई फोर टू माइनस वन वन बाई टू यानी कि आपका आंसर थ्री बाई एट आ रहा है आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए था मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी चाहिए था वो कितना आया थ्री बाई एट और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था ठीक है तो यहाँ पे उस थ्योरम का देखो यूज हो गया जो आपने कंसेप्ट uh, वीडियो में देखी थी ठीक सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है इसे नोट डाउन करो यहां पे बहुत सारी बातें हमें खुद से ही करनी थी यहां इन लोगों ने हमें नहीं बताया था कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है हमें खुद चेक करना था हमने ये देखा कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों तो सेम आ रही है मतलब ये ए एंड बी कोई साधारण से इवेंट नहीं है कैसे इवेंट है इंडिपेंडेंट और अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं तो बस वो ही यूज किया हम लोगों ने और इसको कह दिया कि ए डैश एंड बी डैश भी कैसे हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है तो इसी कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करा दी ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश वन माइनस बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैशन माइनस किया और आंसर निकाल लिया बहुत इजी क्वेश्चन था आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है Screenshot लो फिर से सॉल्व करो और फिर मेरे साथ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं अपन लोग इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज सेवन बाई ट्वेल्व एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू वन बाई फोर स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट आपको बताना है कि आपके इवेंट ए एंड बी कैसे है इंडिपेंडेंट है या नहीं तो सुनो यहां पर पहले क्या क्या गिवेन है उसे लिख लो आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास हाफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लोगों के पास सेवन बाई ट्वेल्व है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए Not A का मतलब ए डैश है ना या तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट या फिर A ऐसा वाला डैश ठीक है so कोई भी लगाओ है। और, और का मतलब यानी कि ऐसा ये गिवन है एक बाई चार आपको बताना है क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट है आपको क्या बताना है क्या आपके इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो कैसे बताओगे ये बताने के लिए अगर आप चाहते हो कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो ऐसा आ जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर इसके बराबर आ गया ठीक है तो आप कह देंगे कि ए एंड बी कैसे हैं इंडिपेंडेंट है ठीक है थीके? अगर इसके बराबर आ गया तो और नहीं आया तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो अगर आपको ए एंड बी को इंडिपेंडेंट बताना है मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना है वो तो आपके पास है और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पता करना पड़ेगा क्योंकि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगी तभी तो आप कंपेयर करके बता पाओगे क्या ये इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं ठीक है तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैम लाएंगे कैसे हम ए है बी है मतलब ए और बी की प्रोबेबिलिटी है लेकिन यहां पे हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देने की जगह इन लोगों ने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी दे दिया है तो क्या करें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी एक बात बताओ क्या आप लोगों को डी मार्गनस लॉ याद है डी मॉर्गनस लॉ क्या कहता है सुनो डी मॉर्गनस लॉ दो थे एक था ए इंटरसेक्शन बी का डैश अगर ऐसा होता है तो हम इसे कैसे ओपन करते हैं ए डैश यूनियन बी डैश है ना और एक था आपके पास ए यूनियन बी का डैश इसे कैसे ओपन करते हैं अपन A intersection B याद है डी मॉर्गन सेट थ्योरी में बहुत पढ़ा होगा तो इसी डी मॉर्गन लॉ का हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है ए डैश यूनियन बी डैश मतलब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है और हमें कैसे भी करके ए इंटरसेक्शन बी तक पहुंचना है इसके हेल्प से ही आप ए इंटरसेक्शन बी तक पहुंच पाओगे तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश को मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकती हूँ ठीक है तो कम से कम यूनियन तो गया तो मैं क्या कर रही हूँ मैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इस तरीके से इसे लिख के रख रही हूँ ठीक है ए इंटरसेक्शन बी डैश इस तरीके से कितना है ये एक बाई तो फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया ए डैश यूनियन बी डैश को मैंने डी मॉर्गन लॉ लगा के ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख दिया नो प्रॉब्लम बिल्कुल लिख सकते हैं और इसके बाद आप ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होती है ए डैश की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो दिस इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा इस फॉर्मूले के हेल्प से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आप इस तरीके से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश ये होगा आपका क्या वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन इस बात को समझ गया हम देखो जरा हम जानते हैं डी मॉर्गन लॉ ने हमारी हेल्प की हम यूनियन से इंटरसेक्शन तक पहुंच गए लेकिन अभी भी परेशानी है यहाँ तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये डैश परेशान कर रहा है अब इस डैश को गायब करना पड़ेगा इस डैश को कैसे गायब करोगे इस डैश को गायब करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्मूला हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज़ इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ़ नॉट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है और प्रोबेबिलिटी ऑफ़ नॉट ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है तो आप इसकी जगह है, है? अब क्या करो इसको यहां इसको वहां सो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कितना वन माइनस वन बाई फोर मतलब फोर माइनस वन थ्री बाई फोर ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है थ्री बाई फोर आ रहा है हमें करना क्या था क्वेश्चन में हमें हमें यह बताना था कि क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए हमारे पास ना इस फॉर्मूले के थ्रू में पता चलता है लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी ये है ये है लेकिन ये था ही नहीं तो यहां तक पहुंचने के लिए हमने इतना काम किया अब इसको हटा सकते हैं डी मॉर्गन लॉ आप स्क्रीनशॉट लीजिए याद रखिएगा बहुत यूज आ जाता है ठीक है अब सुन लो आप लोग अब एक काम करो इसका राइट हैंड साइड ले लो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है एक बाय दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है सात बाय बारह सेवन कितना आ रहा है सेवन बाय क्या सेवन बाय ट्वेंटी फोर के जैसा है नहीं मैम कभी नहीं दिस इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई फोर इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू थ्री बाई फोर कौन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट ए एंड बी क्या लिखेंगे आप लोग ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट क्या ये क्वेश्चन क्लियर है ओके okay, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में ठीक है जहां पे थोड़ी थोड़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मलेज यूज हो जाते हैं ठीक है सो so ये क्वेश्चन अच्छा था आपने डी डिमॉर्गनस लॉ की हेल्प ली उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है उसकी हेल्प ली और फिर इंडिपेंडेंट है या नहीं ये फॉर्मुला तो आप जानते ही हो आपने इसका राइट हैंड साइड उठाया वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया ये कभी भी लाइफ में थ्री बाई नहीं बन सकता ठीक है फिलहाल तो ये क्या हो गया दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू प्रबैबलेटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, यानी दे आर नॉट इंडिपेंडेंट आई होप क्वेश्चन क्लियर है और कोई भी परेशानी नहीं है अगर नहीं है परेशानी तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका स्क्रीन शॉट लेना जितने भी अभी लास्ट लास्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये वाले ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से सुनते चलो आप लोग ठीक है चलो So, इसके साथ ही हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उन्हें टारगेट करेंगे टिल देन आप इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है एंड साथ ही साथ आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी मिल जाएगी तो जब आप वेबसाइट एंड ऐप को एक्सप्लोर करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं चैप्टर्स हैं क्लासेस हैं वो सब कुछ सीक्वेंस में अरेंज्ड है सपोज आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट चेक करना चाहते हैं आप जब इसे सर्च करेंगे मैग्नेट तब आपको क्या मिलेगा इस तरीके का एक पेज ओपन होगा यहां पे आपको जाना है एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेस को यहां आप देखेंगे जितनी भी कोर्सेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब इधर अरेंज है सपोज आप क्लास ट्वेल्थ देखना चाहते हैं क्लास ट्वेल्थ पे क्लिक कीजिए ट्वेल्थ क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ओके okay? और जितने भी बुक्स को हम सॉल्व कर रहे हैं वो सब यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है सपोज आप क्लास ट्वेल्थ मैथ्स एनसीईआरटी देखना चाहते हैं यहां जाइए नाउ पे क्लिक कीजिए हम अपने एनसीईआरटी से जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं वो सब यहाँ सीक्वेंस में अरेंज्ड है ओके okay? तो सपोज आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हैं आप यहां जाएंगे इंटीग्रल्स पे क्लिक करेंगे मैं आपको मिलूंगी इंटीग्रल्स पढ़ाते हुए राइट right? स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन हिंदी न्यूज चैनल है, है बिल्कुल उसे विजिट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ओके okay? इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को एक हंड्रेड फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है अगर वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी करना क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है सो टिल दैन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर